हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मीनू और मीनू वैष्णवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं लाई हूं आप सभी के लिए एक हेल्दी नाश्ता जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, तो चलिए बना लेते हैं। मैंने एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है जिसे मैंने एक कपड़े से अच्छे से छान लिया है। गेहूँ का आटा हेल्दी भी होता है इसलिए मैंने गेहूँ का आटा ही लिया है। आप चाहे तो आटे और मैदे को मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच अजवाइन क्रश करके। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब लास्ट में जाएगा इसमें 2 चम्मच गरम ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमने सभी को मिक्स कर लिया है और अब हम इसका आटा लगाएंगे। आटा बनाने के लिए लिया है हमने पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंथ लेंगे। आटे को ना तो ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे पूरी का आटा होता है ना, बस बिल्कुल ऐसे ही आटे को लगाना है। लीजिए, आटा हमारा लग गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। हमने लिया एक पैन, पैन में डाला है 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। लीजिए, जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 कटोरी चने की दाल जो मैंने पहले से ही उबाल कर रख ली थी। 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लीजिए, दाल हमारी फ्राई हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च कटी हुई और 1 इंच टुकड़ा कटा हुआ अदरक का। आप अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। प्याज को हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है। लीजिए, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जो मैंने मैश करके पहले से ही रखे हुए थे। आलू को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स का। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। लीजिए, हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब मसाले को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, तब तक हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। लीजिए, आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब इसे गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्के हल्के हाथों से मसल लेना है। चलिए, अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है इसकी लोई। मैं अपनी सभी लोई बनाकर तैयार कर लूँगी ऐसे ही। लीजिए, हमारी सभी लोई बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इनकी रोटी बेल लेते हैं। चलिए फटाफट बेल लेते हैं रोटी। इसे रोटी की तरह बिल्कुल पतला बेलना है। लीजिए, हमने रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह हम सारी रोटियां बेल लेंगे अपनी। लीजिए, सभी रोटी तैयार कर ली है हमने और हमारा मसाला भी ठंडा हो गया था। और अब हम अपनी रोटी पर चारों तरफ पानी लगा लेंगे। देखिए, चारों तरफ ही लगाना है, बीच में नहीं लगाना। अब मसाले को रोटी के सेंटर में रखेंगे, किनारे पर नहीं रखना है। अब इसे इस तरह से चिपका देना है। अच्छे से चिपकाना है, इसे खुलना नहीं चाहिए। अगर खुल गया तो मसाला बाहर निकल जाएगा। इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। लीजिए, तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं इसे कांटे की हेल्प से प्रेस कर रही हूँ, इससे डिजाइन भी अच्छा आएगा इसका। लीजिए, हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 गिलास पानी डालकर हमने उबाल लिया है। फिर हमने 1 चम्मच तेल डाला है और अब हम इसमें अपने नाश्ते को डाल देंगे। देखिए, हमने सभी को डाल दिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड, हमारे 5 मिनट हो गए हैं और अब हमारा नाश्ता भी पक गया है। चलिए, अब हम इन्हें निकाल कर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, निकाल लिया है हमने इन्हें। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर लिया है। अब डालते हैं अपने नाश्ते को। 2 ही आएंगे इसमें, तीसरा मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है और जब ये एक साइड से थोड़े ब्राउन हो जाए तभी इन्हें पलटना है। एक साइड से हमारे ये ब्राउन हो गए हैं, चलिए पलटते हैं इन्हें। देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी ऐसे ही इन्हें ब्राउन कर लेंगे। चलिए, अब मैं इन्हें आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यकीन मानिए आप, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। चलिए मैं काट कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से फिल कर रखा है हमने इसे। तो आप भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।